नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा आपने उसमें से कितना ग्रैब किया, कितना एब्जॉर्ब किया। अगर आप उसमें 70% भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आप ALP CBT 2 की, अगर RAC ट्रेड की केवल बात करें तो आप RAC ट्रेड में 40 से 45 क्वेश्चन करने में समर्थ हो जाएंगे अभी इतने में ही। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखे हैं, कुछ प्रोसेस लिखी है, उनको देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। हम कंप्रेशन दोस्तों कैसा कराते हैं आप बताइए, कंप्रेशन हम लोग कैसा कराते हैं दोस्तों? कंप्रेशन में हमने देखा था कि एंट्रोपी हमारी क्या होती है दोस्तों? कांस्टेंट होती है। मतलब कंप्रेशन हमारा कैसा प्रोसेस होगा? आइसेंट्रोपिक। कंप्रेशन कैसा प्रोसेस होगा दोस्तों? आइसेंट्रोपिक। बात समझ में आई। उसके दोस्तों हम बात करते हैं हीट एडिशन हम कहाँ करते हैं दोस्तों? हीट एडिशन हम लोग कहाँ करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। इवेपोरेटर में तो हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो हीट एडिशन हम लोग कहाँ करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर के बारे में हमने बताया था। आइसोबारिक के बारे में हमने बताया था कि आइसोबारिक मींस क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। तो हीट एडिशन हम लोग कहाँ करते हैं? आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद हीट रिजेक्शन कंडेंसर में हो रहा था, किस पे हो रहा था दोस्तों? आइसोबारिक ही, कांस्टेंट प्रेशर ही हो रहा था। हीट रिजेक्शन में हम लोग किस पे करते हैं दोस्तों? आइसोबारिक। ये मैंने चार क्वेश्चन को एक जगह समझाने का प्रयास किया है आपको, तो आप ध्यान रखिएगा आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कंप्रेशन कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसेंथैल्पिक, इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए होंगे। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे भाई बंधु हैं, तो आप कंप्रेशन को तुरंत क्या कर देंगे? आइसेंट्रोपिक कर देंगे। हीट एडिशन को आप तुरंत क्या कर देंगे? आइसोबारिक, क्योंकि आपको मैंने इतने डीपली फिगर को समझाया है VCRS के और सभी टर्म को बताया है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ होगी, आप किसी प्रकार की गलती करेंगे। एक्सपेंशन कैसा होता है दोस्तों? एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा था VCRS में, एंथैल्पी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट था, तो एक्सपेंशन कैसा होता है? आइसेंथैल्पिक। अब बात आ गई एंथैल्पी की, जहाँ थ्रॉटलिंग में ही हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। थ्रॉटलिंग के कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं, थ्रॉटलिंग कौन कौन से टर्म होते हैं। तो थ्रॉटलिंग में सबसे पहली बात दोस्तों, हमारी एंथैल्पी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। तो थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, एंट्रोपी हमारी क्या होती है थ्रॉटलिंग में? हमने पिछले समय बनाते वक्त ऐसे जैसे ऐसे बना था हमारा कुछ VCRS में 3-4 बना था ना दोस्तों, ऐसे बना था, फिर ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था VCRS में TS डायग्राम में, है ना। तो हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। दूसरी चीज़ कि हमारी एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। तीसरी चीज़ दोस्तों क्या होती है, इसको देख लीजिए। तीसरी चीज़ क्या होती है? एक हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक टर्म होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसके बारे में अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आ गया है तो इसको देख लीजिए। सभी चीज़ों को याद करते हुए चलिए, आप रटते हुए चलिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? कोई चीज़ कितनी सूख रही है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आप बता सकते हैं इसमें बढ़ता है घटता है। तो आप देखिए कि जब हम लोग एंथैल्पी में बात कर रहे होते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? इधर की लाइन आती है, और जो हमारा कर्व होता है कुछ इस प्रकार से जो हमारा कर्व होता है, तो इस कर्व में जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारा x जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, और x की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी दोस्तों? बढ़ती जाएगी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? लगातार बढ़ता रहता है। चौथी चीज़ दोस्तों क्या होती है थ्रॉटलिंग में ही? थ्रॉटलिंग कौन सी प्रोसेस है हमारी? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है थ्रॉटलिंग हमारी। और पाँचवीं चीज़ क्या होता है थ्रॉटलिंग में? एडियाबेटिक आइसेंथैल्पिक है हमारी, एडियाबेटिक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है थ्रॉटलिंग हमारी। ठीक है दोस्तों, तो थ्रॉटलिंग से संबंधित टर्म हमने पढ़ लिए। आपका थ्रॉटलिंग के कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे थ्रॉटलिंग के। आप बता देंगे थ्रॉटलिंग में आपसे पूछेगा, आप कह देंगे एंथैल्पी कांस्टेंट, एंट्रोपी बढ़ती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग, एडियाबेटिक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक छोटा टर्म और रह गया है दोस्तों, वो क्या है, हीट रिजेक्शन रेशियो। जो हम लोग कंडेंसर से बार बार हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कंडेंसर के साइज पे, कंडेंसर पे या सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से हीट रिजेक्ट करते हैं, उसका क्या रेशियो होता है, क्या फैक्टर होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर दोस्तों। तो हम आपकी अगली हेडिंग बनेगी क्या, हीट रिजेक्शन रेशियो या हीट रिजेक्शन फैक्टर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप उसको लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि हमको लगे कि हाँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हीट रिजेक्शन रेशियो होता क्या है। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूँ, फिर आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो होता क्या है थ्योरी इसकी, ये किसका किसका रेशियो होता है, तो ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर, क्योंकि हीट कंडेंसर में रिजेक्ट होती है, तो रेशियो किसका होगा, हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर ठीक है, टू दी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कितना रेफ्रिजरेटिंग हीट को रिजेक्ट करने पे कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है हमको, उन्हीं दोनों का रेशियो होगा, क्योंकि हीट कहाँ रिजेक्ट होती है, कंडेंसर में, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको मिलता है उसकी वजह से। तो कितना हीट को रिजेक्ट करने पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है, इन्हीं दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें तो ही हमारा हीट रिजेक्शन रेशियो होता है, कंडेंसर टू दी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका फार्मूला अगर देखा जाए हीट रिजेक्शन रेशियो का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भैया हीट रिजेक्शन रेशियो का जो फार्मूला होगा, हीट रिजेक्टेड कहाँ पे, कंडेंसर में, डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हीट जो कंडेंसर में रिजेक्ट होती है उसमें हमारा क्या क्या ऐड होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्लस जो हमने वर्क किया है, डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हीट रिजेक्शन रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, अगर इसको अपान में करें, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, तो डब्ल्यू अपान आर ई एक तो इस टर्म में लिख सकते हैं, या फिर सी ओ पी हमने क्या पढ़ रखा है, सी ओ पी हम जानते हैं होता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई कंप्रेशन, सॉरी डिजायर्ड इफेक्ट अपान वर्क इनपुट, ये हमने पढ़ रखा है। अगर आप देखें तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 1+1 अपान सी ओ पी लिख सकता हूँ, इसको मैंने उल्टा कर दिया और 1/COP लिख दिया। यहाँ से अगर आप देखें इस चीज़ को, 1/COP इक्वल टू क्या, मैं ये नहीं लिख सकता, W/रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो बस सेम चीज़ उठा करके यहाँ रख दी। तो चाहे आप इस टर्म में इसको याद कर लें हीट रिजेक्शन रेशियो की, और चाहे इस टर्म में याद कर लें, ठीक। अब तीसरी चीज़ दोस्तों बात करते हैं कि हीट रिजेक्शन रेशियो का COP पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम मान लीजिए COP को बढ़ाते हैं, COP हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो ऊपर क्वांटिटी होगी ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए अभी COP हमारी 5 है, हमने रखा तो कट ऑफ 0.2 आया, तो अभी हमारी कितना निकल करके आ गया, हीट रिजेक्शन रेशियो 1.2। अब हमने 10 रख लिया यहाँ पे, तो भाग देंगे तो 0.1 आएगा, तो हीट रिजेक्शन रेशियो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो आपका मेन टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग COP को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हीट रिजेक्शन रेशियो हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब इनका संबंध कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा, कि जब हम COP को बढ़ाएंगे तो हीट रिजेक्शन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको दोस्तों। फिर हीट रिजेक्शन रेशियो कंडेंसर साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जानते हैं जितना बड़ा कंडेंसर होगा, कंडेंसर का साइज जितना ज़्यादा होगा, हीट उतनी ज़्यादा रिजेक्ट होगी। तो हीट रिजेक्शन रेशियो का जो कंडेंसर पे फ़र्क पड़ता है वो सीधा सीधा ये हो गया कि हीट रिजेक्शन रेशियो जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कंडेंसर के साइज के। मतलब जितना ज़्यादा हीट रिजेक्ट कंडेंसर साइज हम लोग बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा हीट रिजेक्शन रेशियो हमारा क्या होता जाएगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने क्विक रिवीजन एक चीज़ देखी, उसके बाद आप एक चीज़ बताइए, VARS में हम लोग कंप्रेसर के जगह पे क्या क्या यूज करते हैं, APG। बहुत अच्छे, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको देखता नहीं, मैं आपको बराबर देखता रहता हूँ, मैं आपकी आत्मा में समाया हुआ हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ए मतलब एब्जॉर्बर, पी मतलब पंप, जी मतलब जनरेटर, ठीक है दोस्तों। तो आपसे हम अगले टॉपिक पे मिलते हैं जो हमारा होगा गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नमस्कार।